Hey, welcome to everyone. In Arke Engineering Tech. By Arke, I'm Arke. No fake, no theory. Only real this practically. Be bindas. So guys, today's topic, we are going to learn about some introduction of brick. ठीक है, तुम्हारे पास देख रहे सामने ब्रिक है, फुल ब्रिक। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा फटाफट जान लेते हैं, इसके बाद आगे हमें बहुत कुछ जानना है ब्रिक के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रिक को जो हम देख रहे हैं, इसके हम बोलते हैं अपर फेस। ठीक है, जस्ट इसके नीचे हम बोलते क्या, जिसका लोअर फेस, जस्ट नीचे इसके क्या, लोअर फेस। ठीक है, और वो जो साइड फेस होते है, इसे हम बोलते हैं स्ट्रेचर। इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेचर बोलते हैं। और इसका जो फ्रंट व्यू होता है, This view is known as header बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हेड है, इसके लिए header face बोलते हैं। स्ट्रेच है इसके लिए, इसलिए इसको स्ट्रेचर फेस बोलते हैं। ठीक है, चलो मेन पार्ट इसका मैं बता रहा हूँ। इसका एक मेन पार्ट है हमारे पास। मेन पार्ट क्या होता है, ये जो आप डीप पार्ट देख रहे हैं, वो इस डीप पार्ट का बहुत बड़ा रोल है हमारे इस ब्रिक मशीनरी में। ठीक है, इसे बोलते हैं हम फ्रॉग। इस फ्रॉग पार्ट में क्या होता है, सबसे पहले JMJ जो आप देख रहे हैं, अगर आप वगैरह कुछ भी नाम हो सकता है, वो क्या इंडस्ट्री का टैग होता है। ठीक है, और वो जो डीप पार्ट है ब्रिक मशीनरी में, बॉन्डिंग के काम बहुत टाइम से बहुत हार्ड होता है। और बॉन्डिंग का वक्त ये इसमें है पता, बहुत हेल्प करता है। ठीक है, बॉन्डिंग में, तो ये था फुल ब्रिक का डिटेल। ठीक है, और हम जानेंगे ब्रिक के पार्ट सब भी क्या होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम लाइन बाय लाइन ब्रिक का पार्ट सब भी देखते हैं। दिस इज द 3x4 पार्ट ऑफ द ब्रिक। ठीक है, 3x4 पार्ट ऑफ द ब्रिक। ठीक है, ये 3x4 पार्ट ऑफ द ब्रिक है। और इसके बाद हम देखेंगे हाफ ब्रिक। ठीक है, एंड दिस इज द हाफ ब्रिक। ठीक, 1x2 पार्ट ऑफ द ब्रिक। सो विच इज कॉट ब्रेथ वाइज। ओके, सो नेक्स्ट, एंड दिस इज अ 1x4 पार्ट ऑफ द ब्रिक, 1x4 बैक। ठीक, आफ्टर दैट लेट्स सी फुल ब्रिक। सो वी आर गोइंग टू ऑल्सो लर्न अबाउट सम क्लोजर, विंड क्लोजर, लेवल क्लोजर, इंटर क्लोजर एंड किंग क्लोजर। सो व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट क्वीन क्लोजर, व्हाट इज द क्वीन क्लोजर? क्वीन क्लोजर इज नथिंग बट जब हम कट करते हैं लेंथ वाइज, आई मीन जो 19 सेंटीमीटर जो हमारा स्टैंडर्ड साइज होता है, जब हम लेंथ वाइज कट करते हैं, तो ये जो दो पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्वीन क्लोजर। ठीक है, क्वीन क्लोजर क्लियर। नेक्स्ट हम चलते हैं किंग क्लोजर। किंग क्लोजर क्या होता है, जैसे कि लेंथ वाइज हो गया, लेंथ वाइज करने के बाद आपको ये इधर से हाफ कट करते हैं और इधर से हाफ करते हैं, मतलब इस तरह से एक करना जो कट हो जाता है ना, और बाकी का पार्ट होता है इसके क्या बोलते हैं, इसे किंग क्लोजर। समझ में आया, इधर से हाफ, इधर से हाफ, और ये डायगोनली कट करके हैं किंग क्लोजर। हमें क्लियर। नेक्स्ट क्या बताया हमने, बीवाल्व क्लोजर। बीवाल्व क्लोजर में क्या होता है, सेम सिद्धांत किंग क्लोजर का पार्ट है, सेम मतलब किंग क्लोजर। इसमें क्या होता है, 45 डिग्री का एंगल होता है या 60 डिग्री का एंगल होता है बीवाल्व क्लोजर।